दोस्तों समय यात्रा के ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आखिर कैसे साल 2556 से 2595 करोड़ रुपए चोरी करने के लिए आया एक टाइम ट्रेवलर। जानिए अंतरिक्ष के बारे में कई अनोखी बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। ये इस तरह की बातें जिन्हें सुनकर दिल और दिमाग के अंदर एक अलग सा करंट दौड़ने लगता है। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने दिमाग के अंदर घुसकर तहलका ही मचा दिया हो। रोजमर्रा की चीजों से कोसों दूर अंतरिक्ष की अद्भुत घटनाएं एक अंतरिक्ष प्रेमी के लिए हमेशा से ही काफी आग्रह का विषय रहा है। ऐसे समय में समय यात्रा की घटनाओं टाइम ट्रेवलर इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ये विषय भी अंतरिक्ष से जुड़े विषयों जैसा रोचक है? समय यात्रा टाइम ट्रेवल के बारे में बच्चों से लेकर बूढ़े तक बातें करते हैं। साधारण जनता सोचती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम समय में आगे भविष्य या पीछे भूतकाल में भी जा पाएंगे। किसी समय यात्रा करने वाली मशीन या प्रकाश की गति के माध्यम से पल भर में ही दूसरी दुनिया या किसी दूसरे आयाम में ही पहुंच जाएंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई हैं जो कि समय यात्रा को सही साबित करती हैं? समय यात्रा के अनसुने किस्से जिनके बारे में आप लोगों को ना ही कोई बताता है ना ही इंटरनेट में ज्यादा कहीं पढ़ने को मिलता है। परंतु आज हम आपको बताएंगे इन्हीं रोमांस से भरे हुए समय यात्रा के किस्सों के बारे में। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों समय यात्रा की घटनाओं के ऊपर आधारित इस लेख में हम कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जो कि काफी प्रसिद्ध है और इसे सत्य बताया जाता है। क्या है चैपलिन बने टाइमर ट्रेवलर? चैपलिन को कौन नहीं जानता? अपने समय में दिग्गज कलाकार रह चुके चैपलिन करोड़ों लोगों की मुस्कुराहट के वजह थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि चैपलिन से जुड़े एक बहुत ही लोकप्रिय समय यात्रा की घटना भी है? दोस्तों ये घटना पूरे विश्व में इतनी प्रसिद्ध है कि कई लोग चैपलिन को ही एक टाइम ट्रेवलर समझने लगे थे। खैर चलिए अब एक नजर इस अनूठी घटना के ऊपर डालते हैं। ये बात होगी साल 2010 की। जॉर्ज क्लार्के नाम के इस आयरिश फिल्म मेकर ने चैपलिन टाइम ट्रेवलर नाम का एक वीडियो YouTube पर डाला। देखते ही देखते ये वीडियो पल भर में जंगल की आग की तरह पूरे इंटरनेट में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना लोगों को देखने को मिला। दोस्तों बता दूं कि वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे साल 1928 में शूट किया गया था। और इसी वीडियो क्लिप के अंदर एक महिला को भी देखा गया जो कि एक काले पतले से उपकरण को अपने कानों के पास लगाए हुए बातें कर रही थी जो कि एक मोबाइल फोन ही था। आपके जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि पृथ्वी का सर्वप्रथम मोबाइल फोन साल 1973 में मोटरोला के द्वारा बनाया गया था। अब आप ही बताइए वो महिला वास्तव में एक टाइम ट्रेवलर थी या नहीं। नंबर दो, 1941 में 21वीं शताब्दी के आधुनिक पोशाकों में दिखा एक अनजान व्यक्ति। 1941 में ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ जिस तस्वीर की बातें कर रहे हैं वो वास्तव में एक असल तस्वीर है और उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की गई। बात यह है कि 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था और उद्घाटन के वक्त ही इस तस्वीर को लिया गया था। पहली नजर में इस तस्वीर को देखने से आपको कुछ भी असाधारण नजर नहीं आएगा, परंतु जब आप इसे गौर से देखेंगे तभी आपको इस तस्वीर के अंदर छुपी अज्ञात चीजों के बारे में पता चलेगा। खैर इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसका पोशाक बाकी लोगों ने काफी ज्यादा अत्याधुनिक और अलग है। शोधकर्ता बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं। इसके अलावा व्यक्ति ने एक काला गॉगल्स भी पहन रखा है जो कि 21वीं शताब्दी में ही बने हुए हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि 1941 में लोगों का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफी ज्यादा अलग था और उस समय किसी भी हाल में अत्याधुनिक वस्त्रों को नहीं बनाया जाता था। तो ये व्यक्ति सिर्फ एक टाइम ट्रेवलर ही हो सकता है क्योंकि ये असली तस्वीर है और इस पर कई ज्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। वाकई में समय यात्रा के इन किस्सों को सुनकर किसी का भी सर चकरा जाएगा। नंबर तीन, जॉन टार्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो 2036 से आया था। कभी सोचा है आपके आसपास भी कई सारे टाइम ट्रेवलर हो सकते हैं? नहीं,
न परंतु इस किस्से को सुनकर शायद आप लोगों को भी ऐसा लगने लग जाए कि हमारे आसपास भी टाइम ट्रेवलर मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों ये घटना है साल 2000 से लेकर 2001। उन दिनों एक व्यक्ति काफी चर्चा में था, ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड का एक यूजर जिसका नाम जॉन टार्टर था, वो खुद को टाइम ट्रेवलर बता रहा था। जॉन की बातें सुनकर कोई भी हैरान हो जाता था। जॉन के अनुसार वो साल 2036 से आया था और एक खास खुफिया मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए उसे साल 2000 में भेजा गया था। उसने कई सारे बातों को सटीक तौर पर बताकर दो मुख्य बातों की भविष्यवाणी भी की थी। इसके अनुसार भविष्य में साल 2000 के अनुसार यानी 2008 में अमेरिका में एक सिविल वार होगा और साल 2015 में एक छोटे धरण का विश्व युद्ध 3 भी होगा जिसमें 3 अरब से ज्यादा लोगों की मौतें भी होंगी। हालांकि 2001 में जॉन की अचानक गुमशुदी और उसके द्वारा बताई गई बातों में सच्चाई न होने के कारण उसकी लोकप्रियता कम होने लगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जॉन की गुमशुदगी की राज क्या हो सकती है? नंबर 4, साल 2256 से 2595 करोड़ रुपए चोरी करने के लिए आया एक टाइम ट्रेवलर। लोग टाइम ट्रेवलर किस लिए कहते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम जैसे साधारण लोगों के पास अभी मौजूद नहीं हो, परंतु 2256 से आए इस ट्रेवलर के पास जरूर था। जी हाँ दोस्तों, साल 2256 से एंड्रयू कार्लसन नाम का एक शख्स पैसे चोरी करने के लिए समय के पीछे ट्रेवल करके आया था। दोस्तों एंड्रयू का घटनाक्रम कुछ ऐसे है कि सच में आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। साल 2003 में एंड्रयू को 2595 करोड़ रुपए की ठगी के लिए पकड़ा गया। उस समय अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC एंड्रयू के केस की जांच कर रही थी। उससे की गई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना और एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी बता देगा। खैर ये सब बातें उसने अपने 4 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था। हालांकि सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एंड्रयू को बेल दे दी गई और बेल होने के बाद से एंड्रयू का अता पता ही कुछ नहीं मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार एक हिसाब से एंड्रयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और उसके होने की कोई भी सबूत बाद में शोधकर्ताओं को नहीं मिली। तो फिर से सवाल उठता है कि क्या सच में समय यात्रा किया जा सकता है? नंबर 5, 1860 में बनी एक पेंटिंग में आईफोन की मौजूदगी। आईफोन वर्तमान के समय में शायद दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय स्मार्टफोन के अंदर गिना जाता है। इसकी अनुपम कलाकारी और डिजाइन लोगों को आज भी किसी सपने से कम नहीं लगती। आईफोन को देखने से लगता है कि भविष्य का कोई डिवाइस आज हमारे पास मौजूद है। कुछ कुल मिलाकर कहूँ तो आईफोन को टक्कर देने वाले स्मार्टफोन आज मार्केट में काफी कम ही है। खैर स्टीव जॉब्स की उच्च कोट की आइडियाज से प्रेरित होकर बनने वाला ये आईफोन साल 1860 से ही चर्चाओं में रहा। दोस्तों अब कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया का पहला आईफोन तो साल 2007 में आया था, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आईफोन 1860 से ही चर्चा में था? तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, फर्डिनेंड जॉर्ज वाल्ड मुलर नाम के कलाकार के द्वारा बनाए गए पेंटिंग में लोगों के द्वारा आईफोन को देखे जाने का दावा काफी किया गया। बता दें कि ये कलाकार ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और उन्होंने आईफोन वाले पेंटिंग में कुछ ऐसी कलाकारी दिखाई है कि कोई भी इसे देखकर हक्का बक्का ही रह जाए। इस पेंटिंग में गांव की एक लड़की एक आईफोन को देखती हुई चल रही है। हालांकि इसको लेकर कई सारी विवाद देखने को मिली। एक गुट के लोग यह कह रहे थे कि लड़की ने अपने हाथों में आईफोन ही पकड़ा है, परंतु दूसरे गुट के लोगों का ये मानना था कि लड़की ने अपने हाथों में एक प्रेयर बुक को पकड़ा है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।